Hey guys and welcome back to the Pokemon Glades version. जहाँ पे जैसे पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट मेंबर ऑफ दिस एलिट फोर ग्रेको चैलेंज करके यहाँ पे दोस्तों उसको डिफीट कर दिया था. एंड हाँ यार, आज हम लोग जो है वो चैलेंज करने के लिए जाने वाले हैं द चैम्पियन ब्लेक को. सो इस बैटल के लिए मैं यहाँ पर अपने ब्लेज के साथ जाने वाला हूँ. उसके मार्क पंच का हम लोग इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तक, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डार्क टाइप पोकेमॉन्स है. सो या वी आर रेडी फॉर दिस. ऑल राइट, ओके, यहाँ पर हम तैयार है चैंपियन को डाउन करने के लिए. मुझे पता था कि एक दिन तुम फाइनली यहाँ पे आओगे वॉकअप करके, जो स्टेप्स लिए हैं और मुझे चैलेंज करोगे. मुझे पता है कि तुम स्ट्रांग हो, बट मैं ये नहीं जानता कि हम दोनों में से कौन स्ट्रांगर है. सो क्यों ना हम ये पता लगाए हमारे इस बैटल से. ऑल राइट गाइज, यार हियर वी गो. ध्रुती गेमा वर्सेस द चैंपियन ऑफ द स्नॉट रीजन ब्लेक. सो जी हाँ गाइज, यार यहाँ पर 6 पोकेमॉन्स हैं यहाँ पे इसके पास. सो यस वी आर रेडी फॉर दिस. बट शुरुआत करेंगे गाइज यार हम लोग यहाँ पर. ओके, शुरुआत करिए उसने मार्क पंच के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि उसने लेकर आ चुका है एक स्नोरलैक्स. सो ओके, यहाँ पर अभी हम लोग मार्क पंच के साथ ही चले जाते हैं. लेट्स गो विद द अनदर मार्क पंच. होपफुली ये हमें डाउन ना कर दे, क्योंकि एक हिट में ही हम लोग शायद डाउन हो सकते हैं. एंड जो नहीं चाहता था मैं वही हुआ. यहाँ पे गाइज़र अपना जो ब्लेज है वो अभी डाउन हो चुका है, बट कोई बात नहीं गाइज़र. यहाँ पर अभी मैं अपनी पार्टी को जो हूँ चेंज कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर मैं अभी लेकर आता हूँ अपने स्पाइक को. तो गाइज़ यार यहाँ पर अभी कह सकते हो ना कि मेरे पास एक प्रॉपर फाइटिंग टाइप तो मतलब कि मूव तो नहीं है किसी भी पोकेमॉन के पास यहाँ पे अपने सिवाय, कह सकते हो कि ब्लेज के खिलाफ. बट ब्लेज के सिवाय हमारे पास एक भी फायर टाइप तो नहीं है. बट इसी कारण यहाँ पर मुझे अपने स्पाइक का ही गाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा. एंड मैं आप लोगों से ये कहना तो नहीं चाहता, मैंने कहा था कि गाइज़र यहाँ पर वीडियोज आएंगी, बट प्रोबेबली या डेफिनेटली ये कह सकते हो कि गाइज यार यहाँ पर हमारे लिए इस हफ्ते की ये लास्ट वीडियो है. एंड आने वाले जो 2 वीक्स हैं उनमें एक भी वीडियो आने नहीं वाली है. सीधा मैं आप लोगों को 23rd ऑफ द मई मंडे को ही मिलने वाला हूँ पोकेमॉन ग्लेड्स के साथ. रीज़न यही है कि मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं गाइज यार, जस्ट आपने कम्युनिटी पोस्ट में भी देख ही लिया होगा. तो गाइज यार यहाँ पर अभी कह सकते हो कि मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं. दैट इज़ द रीज़न कि मैं यहाँ पर अपने पूरा फोकस जो हूँ एग्जाम्स में देना चाहता हूँ. एंड जब हम लोग फ्री हो जाएंगे तभी मैं आप लोगों के साथ फिर से जो हूँ यहाँ पर बैकअप करने की पूरी की पूरी अपनी कोशिश करूँगा. एंड आप लोग भी कह रहे थे कि यार काफ़ी लोगों को यहाँ पर कह सकते हो कि हमारे सेकेंड चैनल ध्रुव 2.0, तो मैंने अभी उसका नाम दे दिया है. बट मैं उस चैनल को जो हूँ डिलीट कर देने वाला हूँ एंड एक न्यू प्रॉपर गेमिंग चैनल क्रिएट कर देने वाला हूँ. उस चैनल के ऊपर तो हम लोग एक्टिव नहीं हुए थे, बट जो सेकंड चैनल हमारा होगा उस पर मैं अपनी पूरी की पूरी, यानी कि वो जो सेकंड चैनल है वो मैंने डिलीट कर दिया है. ऑल दो क्योंकि गाइस यार यहाँ पर मैं नहीं चाहता था कि एक डेड चैनल पर आप लोग ने भी यार अच्छा खासा मतलब कि इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट उस चैनल पर मिला नहीं. बट हम लोग जब आएंगे ना, जब हम लोगों का 2 वीक बाद कमबैक होगा, वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होने वाला है, क्योंकि जो नया चैनल हम लोग लेकर आएंगे उस पर भी वीडियोस आने वाली है रेगुलरली बेसिस पर. तो देखते हैं गाइस यहाँ पर भी आप लोग 2 वीक से मैं यहाँ पर मतलब कि वीडियोस भी नहीं अपलोड कर पाऊँगा. एंड शायद आपके जो कमेंट्स रहेंगे उनका भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ. कम्युनिटी पोस्ट में तो मैं एक्टिव रहने की अपनी पूरी की पूरी कोशिश करूँगा, बट ये 2 वीक आप लोग मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हो कि मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ आप लोगों से. मैंने कहा था कि मैं ज़रूर आऊँगा यहाँ पर, हर दिन वीडियोस आएंगी, बट गाइज यार चीज़ों को अभी मुझे मतलब कि मेरे आने वाले जो कह सकते हो कि पढ़ाई के चलते यहाँ पर मुझे अपनी एग्ज़ाम्स के चलते जो है यहाँ पर मुझे कह सकते हो कि गाइज यार वीडियोस नहीं मैं अपलोड कर सकता. कोई बात नहीं गाइज यार यहाँ पर अभी हम लोग सीधा 2 वीक बाद ही मैं आप लोगों से मिल पाऊँगा. बट इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं है उस चीज़ों में, 2 वीक तो यार आराम से निकल जाएंगे. आप लोग भी थोड़ा सा इंतज़ार कर लेना, हम लोग जल्द ही लौटेंगे यहाँ पर अपने नए चैनल के साथ. उसका नाम भी सब मैं तभी 2 वीक में सोचने वाला हूँ और उस पर काम भी मैं करने वाला हूँ जब मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे. मेरे एग्ज़ाम जो है वो यहाँ पे थर्सडे को ही ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि 19 मई को.
तो मुझे 3-4 दिन मिलेंगे यहाँ पर कह सकते हो कि सोचने के लिए, एंड कह सकते हो कि गाइस यहाँ पर तब हम लोग एक अपना प्रॉपर यहाँ पर एंट्री करने वाले हैं हमारे जो सेकंड चैनल है। क्योंकि गाइस इस टाइम तो मैंने जो है वो पिछले टाइम तो गाइस मैंने कुछ भी नहीं किया था सेकंड चैनल के ऊपर, बट दिस टाइम जब मैं आऊँगा तब हमारी एंट्री जो है वो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार रहने वाली है। आप लोगों की जो रिकमेंडेशंस थी ना वो नए गेम के लिए, नए चैनल के लिए, वो सारी की सारी वहाँ पर पूरी होने वाली है। इस चैनल पे ने मैंने मैंने पहले भी कहा था कि सिर्फ और सिर्फ पोकेमोन से रिलेटेड ही वीडियोज आएंगी। जो सेकंड चैनल हम लोग अभी फिर से, वो तो चैनल ने डिलीट कर दिया है, ऑल दो जो फिर से हम लोग नया चैनल के लिए क्रिएट करेंगे उस पर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर अदर देन दी पोकेमोन गेम्स खेलता हुआ नजर आऊँगा। सो वो PC भी रह सकते हैं या एंड्रॉयड भी रह सकते हैं। सो आई नेवर नो, मुझे भी खुद नहीं पता कि उस पर कौन से नए गेम्स आने वाले हैं। सो अगर फिलहाल इस बैटल की बात की जाए तो यहाँ पर अभी उसका ढाकरा आ चुका है, मेन पोकेमोन लेवल 57 का है। आप लोग देख ही सकते हैं कि उसका बाकी के सारे पोकेमोन जो है वो बस कह सकती हो कि गाइस यार 50 या 52 लेवल्स के थे, बट इसका जो ढाकरा है ना वो लेवल 57 का है। कोई बात नहीं गाइस यार, यहाँ पर अभी हम लोग इसे भी जो है वो डाउन कर ही देंगे। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों से कि ये लास्ट वीडियो मैंने क्यों लेकर आया पता है गाइस यार, देखो अभी कल से ही यानी कि नेक्स्ट एपिसोड जो आएगा तब से हम लोग जोटो रीजन को ट्रैवल करने वाले हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर ये वीडियो डाली जाए, यहाँ पर हम लोग टुनोट रीजन को जो है वो यहाँ पर अब तक कंप्लीट कर देते हैं। मैं टुनो रीजन को जो मैं कंप्लीट करना चाहता था, दैट इज़ द रीज़न कि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है। वरना इस वीडियो को भी बनाने के लिए मुझे बिल्कुल भी समय मिला नहीं था। मैं अपना कंप्लीट फोकस अभी स्टडी पे लगाने वाला हूँ। दैट इज़ द रीज़न कि मैंने सोचा कि ना यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए यहाँ पर यूट्यूब से, एंड जो बाकी की सारी चीज़ें हैं यहाँ पर वो कंप्लीट करी जाए। जैसे ही मेरे एग्जाम्स होगी, 10th में भी मैंने कहा था कि मेरे एग्जाम्स की वजह से वीडियो नहीं आ पाएगी, तो शायद मेरे पूरा 10 मतलब कि मैंने यार पूरा 10th ही यहाँ पर नई वीडियोज़ अपलोड करी थी। 11th में मैंने ऐसा ही किया था, 12th में भी मैंने ऐसा ही किया था, एंड अब 13th की बारी है। फर्स्ट टाइम मैंने कब किया नहीं था क्योंकि यार तभी मेरे ऑनलाइन एग्जाम्स थे तो इतनी ज़्यादा टेंशन की बात नहीं थी, बट दिस टाइम इट इज़ दी ऑफलाइन। सो दैट इज़ द रीज़न कि मुझे थोड़ा सा यहाँ पर गैप चाहिए यूट्यूब से, एंड मैं अपनी जो बाकी सारी चीज़ें हैं उन्हें जो हूँ मैं यहाँ पर कंप्लीट करना चाहता हूँ। सो इसके कारण जो है मैं यहाँ पर आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को वीडियो जो है वो टाइम पर नहीं मिल पाएगी आने वाले कुछ हफ्तों में, बोल सकते हैं 2 वीक यार आप लोग पकड़ के चल लो, क्योंकि तो सीधा अभी 23 तारीख को ही वीडियो आने वाली हैं। तो उसमें तो कोई भी गाइज यार कह सकते हो कि मैं अभी पूरा पूरा ऑफलाइन ही कह सकते हो कि कई तरह मैं जाने वाला हूँ क्या ही बोलेंगे गाइज यार। तो कोई बात नहीं यार, अभी इस बैटल को हम लोगों ने जीत लिया है, एंड यस हम लोगों ने फाइनली हरा दिया है गाइज यार यहाँ पर ब्लैक को। मैं काफ़ी खुश हूँ कि तुमने मुझे हरा दिया है, हमारे न्यू चैम्पियन ध्रुव। ओके सो यहाँ पर हम लोगों ने जीत लिए हैं 2-2, 8-0 फॉर द विनिंग। मुझे एक्सटेंड करना होगा तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू, तुमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, मच बेटर कि मैंने जिसमें की उम्मीद करी थी। हावेवर मेरी रेगिन एज ए चैम्पियन अब ख़त्म हो चुके हैं। सो अगर तुम्हें यहाँ से कंटिन्यू ट्रैवलिंग अपनी कंटिन्यू करनी है, दैट मीन्स कि तुम इस लीग को चैम्पियन के सिवाय छोड़ नहीं सकते। सो इसका मतलब जो अगला पर्सन यहाँ पे चैम्पियन होएगा वो होगा टुनोट का नया चैम्पियन। मैं तुम्हें डाउन करने के लिए तैयार हूँ चैम्पियन, आओ और मुझे क्राउन करो अपना नया किंग ऑफ द टनॉर, बिकॉज ये मैं हूँ। ओके ये कौन आ गया यार? ओ पर्सी। ध्रुव तुम भी यहाँ पर हो, बट मेट ये मेरी टर्न है आई गेस। हे मैं तुम्हारा नाम पूछ सकता हूँ चैलेंजर? ओ मेरा नाम है पर्सी और ये है मेरा बिलो पार्टनर कोलावा। तुम शायद ब्लैक होगे, दी चैम्पियन करेक्ट? दी एक्स चैम्पियन मेरा दोस्त, तुम्हारा तुम्हारा जो दोस्त है वो अभी रियल चैम्पियन है। बट कैसे? ध्रुव ने मुझे जस्ट हराया जैसे तुम पहले आए थे, एंड सिंस ध्रुव ने यहाँ पे अपनी फॉरफिट कर दी है ड्यूटीज सो एज अ चैम्पियन, तो अब इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट पर्सन यहाँ पे आएगा एलिट फोर्स को हरा के वही होगा इस रीजन का चैम्पियन, जो कि तुम हो पर्सी, तुम हो इस टुनोट रीजन के चैम्पियन। बट पहले मैं तुम्हें रजिस्टर करना चाहता हूँ ध्रुव हॉल ऑफ फेम में, मुझे फॉलो करो। ओके सो जी हाँ गाइस सर, यहाँ पर हम लोग अभी मतलब कि चैम्पियन तो बन चुके हैं और यह है हॉल ऑफ फेम जहाँ पे चैम्पियंस को हम ऑनर करते हैं टुनोट लीग के, एंड हम इन्हें रिकॉर्ड करते हैं पोस्टेरिटी के लिए। तुम्हारे पोकेमोन यहाँ पे रखो, सो
हम लोग इसे अब पार्टी में यहाँ पे यू हैव वर्क विद दी सोफा। सो गाइस यार हम चैंपियन तो बने बट अभी हम लोग और भी ज़्यादा ट्रैवल करने वाले हैं, सो हम चैंपियन एज एक्सेप्टेड नहीं हो सकते। सो या द पर्सी इज द न्यू चैंपियन बट वी डोंट केयर क्योंकि हम लोगों ने चैंपियन को हरा दिया है। एंड हाँ यार क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है सो दैट इज द रीजन वी कैन नॉट बी द चैंपियन। ओ कॉन्ग्रेट्स ब्रो, आई न्यू कि तुम चैंपियन बनोगे बट तुम्हें लोग कंसिडर कर रहे हैं चैंपियन। लिसन, मेरा अच्छा दोस्त है प्रोफेसर ओक और उसका स्टूडेंट जस्ट अभी फ्लाई हो चुका है जोटो रीजन में, एंड आई थिंक कि ये तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा कि तुम उसे मिलो। ओके तुम प्रोबेबली उसे ढूंढ सकते हो साउदर्ली सिटी एयरपोर्ट की तरफ अगर तुम जाना चाहते हो वहाँ पे, एंड वहाँ से तुम्हें इन द मीन टाइम मेरे पास थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स हैं जोक करने के लिए। सो गुड बाय और कॉन्ग्रेट्स। ओके सो गाइस यार यहाँ पर हमारे टोनॉर के रीजन के एपिसोड्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। सो यस जब हम मिलेंगे तब हम आप लोगों के साथ में मिलने वाला हूँ विथ दी जोटोज एपिसोड। बट इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर देता हूँ। आई जस्ट होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइस यार लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मुझे गाइस यार फॉलो कीजिएगा, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स आर ऑल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड हाँ यार आज की इस वाले वीडियो ध्यान रखना हूँ मैं मिलता आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस पोकेमॉन ग्लेज वर्जन। आई नो कि हम सीधा दो हफ्ते बाद ही मिलने वाले हैं बट तब तक के लिए गाइस यार अभी से जोटो।